Guys, welcome to the Pakistani Bros Reactions. तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे वीडियोस के और कोई भी यार लिंक्स वगैरह भेजने हो तो आप प्लीज हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम के हम दोनों के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन। और इसका रीजन बता दे क्यों, क्योंकि यार यहाँ पर हम लोगों को लिंक मिलते तो है लेकिन वो उसको ओपन कर तो ओपन ही होते हैं, तो प्लीज आप वही लिंक हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, और यार बेल आइकन को प्रेस कर दो क्योंकि काफी लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे आप कर दें तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूँ बशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, ट्रेंडसम का वीडियो है। ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आते हैं टाइटल की तरफ। टाइटल है 100% बिटर लेसन, बांग्लादेश इग्नोर्ड मेक इन इंडिया, साउथ कोरिया सेंड फॉल्टी लोकोमोटिव्स। लो भाई, खुल गया नया कटा। मतलब बांग्लादेश ने इग्नोर मेरे ख्याल में किया था, इंडिया से शायद नहीं ली और साउथ कोरिया से कोई चीज ली है तो, और उन्होंने लोकोमोटिव इंजन ट्रेनों की, वो जो खींचते हैं लोकोमोटिव इंजन ना, उन्होंने फॉल्टी भेज। मतलब यार सीरियसली खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने लगे यार, क्यों नहीं इंडिया का। तुम ट्रेंडसम का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मेक इन इंडिया को काम चलाओ समझने की गलती अब बांग्लादेश को काफी भारी पड़ रही है, और करोड़ों के मिले इस धोखे की वजह से बांग्लादेश को शायद अब भारतीय लोकोमोटिव्स की अहमियत समझ में आ जाए। ये करोड़ों का झटका कहीं और से नहीं बल्कि बांग्लादेश को साउथ कोरिया से मिला है। इस खबर से पहले हम आपको पिछले साल भारत से बांग्लादेश एक्सपोर्ट हुए 10 लोकोमोटिव्स की याद दिलाना चाहेंगे। पिछले साल भारतीय सरकार की तरफ से बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव सौंपे गए थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 10 डीजल लोकोमोटिव्स भारत की तरफ से बांग्लादेश को गिफ्ट के तौर पे दिए गए थे। अच्छा। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि भारत ने ये लोकोमोटिव्स लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत बांग्लादेश को काफी कम इंटरेस्ट रेट पर एक्सपोर्ट किए थे, और एक्सपोर्ट में इन सभी लोकोमोटिव्स की लगभग 25 से 30 साल की सर्विस लाइफ बची हुई थी। मतलब ये सभी डीजल लोकोमोटिव्स बांग्लादेश रेलवेज में 25 से 30 साल और सर्विसेज देने में सक्षम थे। बांग्लादेश ने ये लोकोमोटिव्स केवल अपनी अस्थायी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही लिए थे, क्योंकि इतने कम कीमत पर इतनी सही कंडीशन में बांग्लादेश को कहीं से भी ऐसे लोकोमोटिव्स नहीं मिल पा रहे थे। बांग्लादेश में आज भी ऐसे बहुत से डीजल लोकोमोटिव्स चल रहे हैं जिन्हें भारत से एक्सपोर्ट किया गया है, पर 2019 में बांग्लादेश ने भारत को दरकिनार कर 10 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर साउथ कोरिया को दे दिया था, ये जानते हुए कि भारतीय लोकोमोटिव्स बांग्लादेश की रेलवे के लिए बहुत भरोसेमंद साबित हुए हैं। सितंबर 2020 में साउथ कोरिया से 10 लोकोमोटिव्स बांग्लादेश पहुंचे, पर वर्कशॉप में इंस्पेक्शन के दौरान ये पाया गया कि साउथ कोरिया से इंपोर्टेड ये डीजल लोकोमोटिव्स उस स्पेसिफिकेशन के थे ही नहीं जिन स्पेसिफिकेशंस को एग्रीमेंट में शामिल किया गया। मोटे तौर पर इन डीजल लोकोमोटिव्स में मिले 3 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। 12 से लेना चाहिए था, देख लिया। कंप्रेसर और ट्रैक्शन मोटर्स। एग्जांपल के तौर पे एग्रीमेंट के मुताबिक TA12 CA9 मॉडल का अल्टरनेटर इन लोकोमोटिव्स में लगना था। जिन लोकोमोटिव्स को साउथ कोरिया ने एक्सपोर्ट किया है उनमें TA9 12 CA9 SE मॉडल के अल्टरनेटर लगे हुए हैं, और इस अलग अल्टरनेटर की वजह से इन लोकोमोटिव्स के हॉर्स पावर में एग्रीमेंट के हिसाब से फर्क आ रहा है। सितंबर से अभी तक ये लोकोमोटिव्स बिना इस्तेमाल में आए ऐसे ही वर्कशॉप में, मतलब अंदर से वो चीजें वो नहीं है ना, के चलते मतलब जो स्पेसिफिकेशन मतलब मंगवाई थी वो आई नहीं। ऑफिशियल्स के मुताबिक हुंडई रोटम के लोकोमोटिव्स का प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन तक नहीं किया गया था, और बांग्लादेश पहुंचने के बाद बिना किसी तुरंत इंस्पेक्शन के इन लोकोमोटिव्स की 65% पेमेंट भी कर दी गई थी। हालांकि इस पेमेंट होने के बाद ही ये पता चला कि ये लोकोमोटिव ब्रॉडगेज पर चलने लायक ही नहीं है। बांग्लादेश ने भारत से 10 लोकोमोटिव्स अपनी टेम्परेरी जरूरत को पूरा करने के लिए लिए थे, क्योंकि बांग्लादेश भारत की उदारवादी नीति से अच्छी तरह परिचित है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत से मिले 10 लोकोमोटिव्स के गिफ्ट को बांग्लादेशी मीडिया ने बहुत बुरा भला कहा था, और इन सेकंड हैंड लोकोमोटिव्स के लिए मोदी सरकार की खूब आलोचना की थी, वो भी तब जब ये लोकोमोटिव्स एकदम नई कंडीशन में थे। ये वही बांग्लादेश है जिसको भारतीय सरकार ने फ्री में 1.2 मिलियन कोविड वैक्सीन गिफ्ट की थी। ये वही बांग्लादेश है जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये वही बांग्लादेश है जो चाइना से इंपोर्टेड पार्ट्स और कंपोनेंट्स को असेंबल करने के बाद बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के भारत को एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेशी मीडिया को भारत से फ्री की चीजों की इतनी आदत पड़ गई है कि अगर बाकी देशों की तरह भारत किसी एक्सपोर्ट के लिए पैसे मांग भी ले तो बांग्लादेश के न्यूज चैनल हल्ला मचा देते हैं। पर साउथ कोरिया द्वारा मीडिया बातें करता है खबर को शायद ही कोई बड़ा बांग्लादेशी न्यूज चैनल कवर कर रहा हो, क्योंकि भारत के अलावा बाकी सभी देश अपनी अहमियत बांग्लादेश जैसे देश को जताना जानते हैं, ना कि भारतीय सरकार की तरह जो ऐसे देश को मुफ्त की चीजें बांटती है। इंडिया बहुत अच्छा है बांग्लादेश, और इन सभी देशों में मेड इन इंडिया लोकोमोटिव की है, और इन देशों में बांग्लादेश भी शामिल है जिसके 72% बांग्लादेश हर कंट्री के साथ 50-50 रहता है भाई। बांग्लादेश ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और लोकोमोटिव ही नहीं बल्कि बांग्लादेश अपनी रेलवे के लिए ज्यादातर रेलवे कोचेस का ऑर्डर भारत की बजाय इंडोनेशिया को ही देता है, जिनमें सस्ती चाइनीज
स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, और कमेंट सेक्शन में हां जरूर लिखिएगा अगर आपको लगता है कि इस बेवकूफी से सीख लेके बांग्लादेश अगला यार आप भी बताना अपने राय कमेंट सेक्शन में। इससे जुड़े हुए सभी न्यूज़ आर्टिकल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई मेड इन इंडिया खबर के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो गाइस ये वीडियो खत्म। तो यार मतलब साउथ कोरिया से मंगवाई उन्होंने 10 लोकोमोटिव्स, और वो क्या था स्पेसिफिकेशन जो बताई है, मतलब आप एक पीसी बनवाते हो तो उनको बताते हो कोर i5 हो ये हो, उन्होंने कोर i5 की जगह मंगा दिया कोर 2 पेंटियम 4। हाँ ये सीन, तो मतलब उन्होंने ये सिस्टम कर दिया। मुझे ये समझ नहीं है, चलो अगर इंडियन उनको 10 लोकोमोटिव गिफ्ट दिए हैं वो 25-30 साल चल भी सकते हैं अच्छे से, तो क्या जरूरत है इंडिया से मंगवाना चाहिए। मतलब इंडिया की वैसे भी इंडिया माना जाता है ट्रेन के मामलों में बहुत सबसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री, मतलब कनाडा को भी पिछले साल हमने वीडियो बनाई थी इंडिया ने भेजी थी, तो यार मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी, श्रीलंका को, और भूटान नेपाल इन कंट्रीज को भी दे रहा है इंडिया, मतलब काफी बड़े पैमाने पे अपनी ट्रेन भेज रहा है। बिल्कुल, तो मतलब एक अच्छा और करीब भी पड़ता था इजिली, मतलब पहुंच जाती है। और नॉर्थ कोरिया चुप करके लूट के निकल गया साइड से बांग्लादेश को, फॉल्ट वो उसमें भी वो फॉल्ट है, मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ओके इंजन है, उसमें भी फॉल्ट है, उसमें भी फॉल्ट है, वही ना आप देखो पता नहीं क्या होता है इस चीज यार। मैं मुबशिर मैं तो यही बोलूंगा यार, देखो इंडिया से अगर हम लोग होते हैं ना ठीक, हमारे रिलेशन आ गए अच्छे होते तो हम भी इंडिया से हर एक चीज उठा रहे होते, क्योंकि इंडिया अच्छी चीज बनाता है। इंडिया में ना यार मतलब सीरियसली मैं बोलूं ऑटोमोबाइल फैक्ट्री या गाड़ियों शाड़ियों का, और ये तो खाली मैं इस एक फैक्टर की बात, मतलब एक जो सेक्टर है इसकी बात कर रहा हूं, ये खाली इतना वजाद मतलब सेक्टर फैला हुआ है, इनकी गाड़ियां बाइक्स कितने सस्ते मिलते हैं, हम जैसे कार्स वगैरह हम इंडिया की देखें तो हम क्यों शौक होते हैं कितनी सस्ती हैं, और स्पेसिफिकेशन में बाहर कितनी महंगी गाड़ी सही का यही इंडिया से बाहर गाड़ी जाती है, प्राउड मूवमेंट होता है। और यार मैं बांग्लादेश अगर कोई हमारा ये वीडियो देख रहा है, मैं ये बोलूंगा यार आप लोग यहाँ से देखें, आपको एक इतना अच्छा इंडिया रिलेशन आप लोगों से रखता है क्यों मुबशर। हाँ और क्या, मतलब इंडिया ने काफी अच्छे हेल्प की है, बहुत दफा बांग्लादेश को हेल्प भी करी तो है। यार शायद कोई रीजन हो यार, अब नहीं हमें खुद देश के बारे में इतना आइडिया, बस यार पॉलिटिक्स है मुबशर। बिल्कुल, सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में, मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और ये मतलब आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं यार। अगर मोशन मैं कहता हूँ ना पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो ना, तो पाकिस्तान अपने ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड वगैरह सारा कुछ ना इंडिया से करवा सकते हैं। बिल्कुल यार, हम यही बहुत अच्छा करते हैं कि रिलेशन अच्छे हो जाए तो बहुत अच्छा, सस्ते में भी करके देगा और फिर दोस्ती होने के नाते पैसे वगैरह कम से कम और बकाया सब कुछ इंडिया कर सकते हैं, कोई शक नहीं, दोस्ती इंडिया अच्छे से निभाना जानता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय। We'll be right back.